खड़े होकर जवाब दो। ऐसे कैसे जवाब दो? देश की जनता क्यों नाराज है? मैं बहुत खुश हूँ, सब खुश रहो। अच्छा, ऐसे मुझे आवाज नहीं आएगी। हाँ, एक एक करके पूछो। मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना, सच बता रही हूँ, बहुत होता है। मतलब आपका चाह अगर रखते रहोगे, लालच तो बुरी बला है, कितना भी आप चाहोगे ज़रूरी नहीं उतना मिले। तो आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना मिला, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो मिड में भी अगर निकलती तो भी मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड। सो आई एम टोटली ओके, मैं बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी गाइस। एक पूछो। ये सारे ऑफर्स लोगों को पता, मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिग बॉस हाउस से कदम बाहर रख के स्टेज पर गई, स्टेज के बाद में सीधा आप लोगों के सामने हूँ। आई हैव नो आइडिया, ना मेरे पास फ़ोन है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया है, क्या हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, आपके मुँह में घी शक्कर। लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ गलत हुआ है प्रियंका? मुझे भी जानना है ऐसा क्या हो गया। हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा, ऑफ कोर्स कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लगा होगा कि नहीं, ये डिजर्व करती है, जीतना चाहिए इसे। ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स का अच्छा ही चाहते हो, तो आई एम श्योर कि शायद इस वजह से कि शिट नहीं जीती, तो वो नॉर्मली शायद उसको रोना निकल गया। बट हाँ, शॉकिंग मेरे लिए ये ज़रूर था कि अंकित रोया। लेकिन प्रियंका, जैसे कि शालिनी ने, आपने, अर्चना ने काफ़ी खेला, शिव ने खेला, गेम अपनी गेम खेली, लेकिन जो एम सी स्टैन है, जिसने कुछ नहीं किया, वो ट्रॉफी लेके चला गया। फॉर मी आई गेस, सी मेरे को स्टैन ना हमेशा से एज अ पर्सन बड़े बड़े अच्छा बंदा है वो, ठीक है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। एंड एट दी एंड बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी, राइट? उसमें आप गेम खेलो, चाहे टास्क अच्छे से ना करो, चाहे आप शतरंज की बाजियाँ खेलो, कुछ भी करो, इट्स नॉट अबाउट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट दैट। आप एज अ पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक एमसी ने सबसे दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लिया होगा, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई, आई एम श्योर आई है, तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है। तो मुझे इस चीज़ का कोई, आई थिंक हर इंसान से अलग होते हैं, सब इंसान अलग होते हैं, कोई भी इंसान सेम तो नहीं होता है, हर इंसान की लैंग्वेज भी अलग होती है, पर उस पर इंसान कैसा है हम उस चीज़ की मोहर नहीं लगा सकते। वो जहाँ मतलब जैसा भी है वो बंदा, दिल का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके दिल में खोट है। हाँ, मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे लगता था वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रेंड्स से, जो मुझे लगा था, बट आई रियली लाइक हिम, ऐसा नहीं है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जज करने वाली होती कौन हूँ? अगर मैं जज करती, मेरी वीकेंड के बारे पे इतनी बैक टू बैक थोड़ी ना क्लास लगती। एक एक करके, हाँ, जनता ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, वो चाहती थी कि ट्रॉफी आपके ही नाम हो, और ऐसा हर जगह डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियंका जॉर्ज चौधरी इज द विनर, बट ये एज अ शॉक मिला है सभी को कि एमसी स्टैन इज द विनर। हाउ डू यू टेक इट, क्योंकि सबकी नज़रों में आप ही विनर हैं। तो बस यही तो चाहिए जनता की नज़रों में, अगर मैं विनर हूँ तो बस यही तो चाहिए, दिल जीतना चाहिए। आपको नागिन शो मिला है, आपको नागिन शो मिला है, आपको ऐसी खबर मिली है, नागिन मिला है, ये सारी खबरों का मुझे कोई ना कुछ नहीं पता। मैंने आपको नागिन शो दिया, ऐसी खबरें मिली? हाँ, दिया है, मुझे नहीं पता। अरे भाई, अभी अभी मैं उनके ये सारे इल्जाम झेल कर आई हूँ, बिग बॉस सबसे ज़्यादा फेयर इंसान है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता
कि वो बायस हैं और समथिंग लाइक दैट. मंडली की तरफ वो वैसे भी हो जाता था, वाई, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे. तो ऐसा कभी नहीं कि बिग बॉस ने गेम उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. मैंने बोला ना कि घर से बाहर निकलना, जैसे सब मुझसे पूछ रहे थे कि शौक हो क्या थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. बट हाँ, जब मुझे पता लगा अंकित रोया, ये शॉकिंग था. बिल्कुल भी गम नहीं है. रुबीना से कंपेयर करते थे कि आप ही विनर हैं, कि जो रुबीना मैम करती थी वो भी आप पूरी तरह से वैसी क्वालिटी थी, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? तो मैं रुबीना को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर शी इज़ अ ग्रेट लेडी, जितना मैंने सुना है. और जितना भी अगर कंपेयर करते थे तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखी होंगी, आई रियली डोंट नो. बट या ग्रेट प्रियंका, यू हैव बीन अ वेरी पैशनेट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस. आपने डे वन से आपने कहता है कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, जीत के जाऊंगी. पर एक ऐसा इंसान जिसने 2 महीने ये बोला कि हार जाना है, मैं एंड ही गॉट द ट्रॉफी एंड ही गॉट द ट्रॉफी. सो डू यू थिंक इट्स अ फेयर डिसीजन कि जिसके पास जीत नहीं है वो वोट मिला? वोट मिला यार, वोट वोट का गेम है भैया. तो नहीं, आई थिंक येस आई एम. वाई? बिकॉज सी एट द एंड जनता का डिसीजन है. मैं कौन होती हूँ जनता के अगेंस्ट जाने वाली? जब अगर जनता इतना कनेक्ट की है एमसी से, मुझे खुद को, मैं उससे खुद कनेक्ट करती हूँ. मंडली का हिस्सा होते हुए भी वो बंदा मुझे सही लगता था. तो ऐसा नहीं कि मंडली के बंदे से बंदे या बंदियाँ सही नहीं लगते थे, सब सही लगते थे. लेकिन उसका मुझे हमेशा से लगता था यार, ये जो भी है ना, मतलब सॉर्टेड बंदा है, दिल का बड़ा साफ सा बंदा है. तो मैं बताती हूँ, वो मैंने मेरे लिए नहीं बोला था कि किसी और को दे देते खतरों के लिए. वो मैंने शिव के लिए बोला था, क्योंकि शिव को जाना था खतरों में, और क्योंकि उसको नहीं जाना था, वो पहले से क्लियर था. अब उसका कॉल है, वो सी हम किसी को गलत, बिग बॉस में जाके मैं ये सीख गई हूँ कि कुछ भी गलत सही नहीं है. आपकी नज़र में कुछ सही होगा, मेरी नज़र में वो गलत होगा, मेरी नज़र में शायद कुछ सही होगा, वो आपकी नज़र में गलत होगा. ये सब सिचुएशनल होता है, अपना अपना नज़रिया होता है. कार्तिक है तो क्यूट. पर हाँ यार, ये सब जो नाम है ना, ये वो नाम है जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं सलमान खान के साथ मूवी करूंगी, या कभी जो आपने बोला शाहरुख खान के साथ ऐसा कुछ. राइट. तो उन्होंने जब बोला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी. आई मीन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल किया, वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगा. देन बिग बॉस में आई, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था. अब अगर मूवी भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है. तो आई एम नॉट, हाँ, इट्स लाइक कि ठीक है, जो मिल रहा है भगवान जो दे रहे हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ. बिग बॉस में मिस क्या करूँगी मैं? बिग बॉस एंथम, आई गेस वो आदत हो गई थी सुबह उठने की, जो सुबह सबसे पहले कॉफ़ी में पीती थी ना शांति में, क्योंकि वही टाइम होता था शांति का, जब सब सो रहे होते थे, मैं उठ के मेरी कॉफ़ी पीती थी. किसी को नहीं, किसी को नहीं ब्लॉक करूँगी. जो चीज़ें वहाँ पर थी वो वहाँ की वही है. मैं यहाँ पर, मेरे लिए सब इक्वल है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं. प्यारे बंदे हैं यार. प्रियंका, एक सवाल है मेरा, शेरा के सन के साथ आपकी मूवी आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सारी मूवीज का मुझे क्यों नहीं पता है, यही कहना चाहूंगी. मुझे कुछ आती है, इतना बड़ा ब्रेक होगा. थैंक यू सो मच. नहीं, प्रियंका,